आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डोम क्लीन है। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स है वो रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स यहाँ पे बन। इस वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स का इंडस्ट्री को विजिट कराने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर दें। तो चलिए तब देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे ब्रिक बनता है, जो मशीन में जहाँ पे मोल्ड बॉक्स लगा हुआ रहता है और उसको प्रेस करने के बाद जो ब्रिक बनता है, उस ब्रिक बनाने वाला मशीन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑलरेडी ब्रिक बना के रखा हुआ है और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है वो ब्रिक बनाने वाला मशीन है। चलिए तब देखते हैं। इधर देखिए, ये वाला ब्रिक बनाने वाला मशीन है। तो ये वर्किंग कैसे करता है, ये वर्किंग कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्किंग करता है। ये हमारा हैंडलिंग मशीन है। इसमें क्या होता है, हमारा जो मोल्ड बॉक्स है, यहाँ पे नीचे मोल्ड बॉक्स लगा हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरीज को अंदर में डालते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल को, उसके बाद उसको प्रेस कर दिया जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मोल्ड बॉक्स है वहाँ पे मटेरियल को फिल किया जा रहा है अच्छी तरह से। उसको मटेरियल को फिल करने के बाद उससे क्या करा जा रहा है, आपको हैंड प्रेस से उसको प्रेस किया जा रहा है। हैंड प्रेस से अच्छे तरह से प्रेस करने के बाद वो देखिए ब्रिक बन जा रहा है। उसके बाद ब्रिक को ऊपर से हटा लिया जाएगा। मटेरियल पूरी तरह से ब्रिक का शेप में आ जाने के बाद इस ब्रिक को अब 2-4 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया जाएगा नॉर्मल ऐसे एनवायरनमेंट में। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको पकने के लिए डोम क्लीन के अंदर प्रेस कराया जाएगा। पैन मिल, एटा होच्छे पैन मिल, ये है हमारा पैन मिल। जैसा कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के लिए हम लोग हाई एल्युमिनियम कंटेंट जैसा कि बॉक्साइट, टायनाइट यूज़ करते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ सिलिका के लिए हम लोग सैंड यूज़ करते हैं। अब देखिए जो पैन मिल है, पैन मिल क्या करता है, हमारा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को है उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर देता है। क्योंकि अगर ब्रिक के अंदर कोई भी कोर्स पार्टिकल रह गया तो वो क्या करेगा, ब्रिक को क्रैक कर देगा हाई टेम्परेचर में जैसे ही उसको पकाया जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि पैन मिल कैसे ग्राइंडिंग कर रहा है यहाँ पर, और मटेरियल को ऐसे डाला जाता है ऊपर की तरफ से और बॉटम की तरफ से वो डिस्चार्ज होता है। टॉप चार्जिंग होता है यहाँ पे और बॉटम के साइड से वो डिस्चार्ज होता है। ये जो ग्राइंडिंग होता है ये टोटली ड्राई बेसिस में होता है, इसमें कभी भी वाटर ऐड नहीं किया जाता है। टोटली ड्राई ग्राइंडिंग होता है यहाँ पे। उसके बाद इसको बॉटम की तरफ से अगर ग्राइंडिंग अच्छी तरह से हो जाता है तो उसको नीचे से इस तरह से निकाल लिया जाता है। अब चलिए चलते हैं हम डोम क्लीन के पास, जहाँ पे क्या किया जाएगा, रिफ्रैक्टरी जो ब्रिक्स है हमारा कच्चा वाला, उसको डोम क्लीन के अंदर अच्छी तरह से पकाया जाएगा। और डोम क्लीन में जैसे ही वो पक जाएगा उसका शाइनिंग बहुत ही अच्छा से बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो गाइस, आप लोग ये जो देख रहे हैं डोम क्लीन है हमारा। डोम क्लीन के चारों साइड में कोयले को हीटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। डोम क्लीन का नीचे में गैप रहता है और गैप रहने के कारण क्या है, यहाँ पे आईडी फैन लगा हुआ है। आईडी फैन क्या करता है, वहाँ से नीचे से सक्शन करता है और जो हीट है वो हीट अंदर में जाता है और जो ब्रिक है वो ब्रिक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइनली क्या होता है, वो और भी हार्डेड हो जाता है हीट और अच्छी तरह से पक जाता है। इससे क्या होता है, ब्रिक का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो अच्छे तरह से है अच्छी बात है, जो ब्रिक का शाइनिंग भी बहुत ही अच्छा तरीका से बढ़ जाता है। आप लोग को जो नीला रंग का बॉक्स दिख रहा होगा वो बॉक्स क्या है, हमारा फिल्टर है, उसका अंदर पानी भरा हुआ रहता है। जैसे ही आईडी फैन नीचे से सक्शन कर रहा है, नीचे से जो सक्शन कर रहा है कोयले का या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो फिल्टर में पकड़ लेता है और चिमनी से पूरा फ्रेश एयर निकलता है बाहर की तरफ। चिमनी आप देख सकते हैं, वहाँ चिमनी है हमारा और एकदम यहाँ पे आईडी फैन लगा हुआ है एक ठो। ये हमारा जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग है इसमें और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम दिखाते हैं ये ब्रिक्स जो डोम क्लीन का अंदर है वो कैसे सजा हुआ रहता है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं डोम क्लीन का अंदर, तो चलिए डोम क्लीन का अंदर में देखते हैं उसका व्यू कैसा है और उसमें मटेरियल को कैसे, मतलब जो ब्रिक है उसको कैसे सजा के रखा जाता है। तो चलिए तब देखते हैं।
डोम क्लीन है हमारा। इसमें क्या होता है, अंदर में जो है यहाँ पे सक्शन कर रहा है, और यहाँ पे हमारा बाहर की तरफ से यहाँ पे कोल जलाया जाएगा बाहर की तरफ से, और ये अंदर में सक्शन होके ये सब फायर हो जाएंगे, फायर ब्रिक्स हो जाएंगे ये सारे। तो फिर चलिए हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स है, और इसका शाइनिंग कितना अच्छा है आप देख सकते हैं दूर से ही। चलिए देखते हैं इसको हाथ में उठा के। और वो जो आगे आपको दिख रहा है वो चिमनी है किन में डोम क्लीन के अंदर ब्रिक्स को फायर किया जाता है। ये डोम क्लीन एक घर जैसा चेंबर होता है जिसके अंदर ब्रिक्स को अच्छी तरह से सजा के रखा जाता है एक स्ट्रक्चर बना के। उसके बाद उसके दोनों साइड में फायर किया जाता है, जिससे क्या होता है वो आग अंदर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाता है, उससे क्या हो जाता है वो जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है वो पकने लगता है। लगभग 700 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है अंदर में, और ये प्रक्रिया लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक चलता है, यानी 3 से लेकर 5 दिन तक ब्रिक्स को फायर किया जाता है। उसके बाद मटेरियल को अच्छी तरह से परखा जाता है कि वो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।